हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों और कैसे गायब हो गई राजदूत मोटरसाइकिल, जिसने तकरीबन 3 दशकों तक युवा दिलों पर राज किया था। राजदूत मोटरसाइकिल भारत में 1962 में आई थी। शुरुआत में लोग इसे पूछते तक नहीं थे, क्योंकि बुलेट ने अपना कब्जा जमा रखा था और इसे अपनी असली पहचान 1973 में ऋषि कपूर की फिल्म बॉबी से मिली। ऋषि कपूर ने जिस अंदाज में फिल्म में बाइक चलाई है, बाइक युवा दिलों की धड़कन बन गई। 1983 में यामा के साथ गठबंधन करके 350 सीसी इंजन के साथ एक दूसरी बाइक मार्केट में उतारी। यह तेज थी, हल्की और मजबूत भी थी। बुलेट के मुकाबले काफ़ी कम पेट्रोल लेती थी, 6 गियर थे और करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक चली जाती थी। यह बाइक गांव के कच्चे रास्तों पर अच्छे ढंग से चला करती थी। यही कारण था कि भारत सरकार ने कई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अफसरों को यह बाइक दी। दूध वाले भी इसी बाइक का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन 1990 के दशक में नई तकनीकी बाइक आने लगी, लेकिन राजदूत ने अपनी बाइक में कोई नई इनोवेटिव चीज ऐड नहीं करी। साथ ही राजदूत के स्पेयर पार्ट्स भी महंगे होने लगे थे और ये बाइक लोगों के बजट से बाहर जा रही थी। 1991 में कंपनी ने अपनी आखिरी राजदूत बाइक बेची। धोनी ने भी अपनी पहली बाइक के तौर पर राजदूत ही खरीदी थी। क्या आपने भी कभी रियल में राजदूत बाइक देखी है? अगर देखी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।